पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन आज पटना एयरपोर्ट से सीधे ज्ञान भवन की ओर होने वाला है। ऐसे में अपने तयशुदा कार्यक्रम पटना के ज्ञान भवन में यह आयोजित की जानी है, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पूरे स्थल को और पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान का इलाका जो है वो पूरे पोस्टरों से पाट दिया गया है। वहीं आपको हम बता दें कि सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जिसके कि विमोचन कार्यक्रम में भी अमित शाह यहाँ शामिल होने आ रहे हैं। वहीं संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है, जिसका कि समापन समारोह आज किया जाएगा, जिसमें कि अमित शाह, माननीय अमित शाह जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। जिसको लेकर अगर बात करें हम तो आज रविवार का दिन है, जहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की भारी बंदोबस्ती की गई है। वहीं पटना एयरपोर्ट से लेकर अगर हम बात करें तो बेली रोड का इलाका हो या फिर गांधी मैदान का इलाका हो, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तकरीबन 75 मजिस्ट्रेट की तैनाती और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तमाम जितने भी जगह है वहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी में दिख रहे हैं। वही अगर बात करें ज्ञान भवन की तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से पुलिस बल जो है एक एक आने जाने वालों की बजाबते चेकिंग कर रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दे रहा है। बता दें आपको कि सुबह से यहाँ लंबी कतारें लगे हुए हैं माननीय अमित शाह को देखने के लिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ मुकम्मल देखा जा रहा है। ऐसे में आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पे संयुक्त कार्यकारिणी के मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। जिसको लेकर अगर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के एक नेता, आइए पहले वो सुनवाते हैं। अभी से ही लोग टाका लगाकर ज्ञान भवन में घुस रहे हैं अमित शाह जी का कार्यक्रम। देखिए, अमित शाह जी का दो कार्यक्रम, एक जो संगठन के दृष्टिकोण से संयुक्त मोर्चाओं की जो कार्य समिति की बैठक है उसमें एक कार्यक्रम है, और एक जो हमारे पार्टी में पहले हमारे कभी नेता हुआ करते थे और अभी राज्यपाल है श्री गंगा प्रसाद जी, उनके पुस्तक का विमोचन। ये दोनों कार्यक्रम में आदरणीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, उनका उद्बोधन मिलेगा, जिसका लाभ हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता और आम जनमानस को मिल पाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का जो उद्देश्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका समर्पण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपने देश अपने मुल्क के प्रति जो समर्पण है, यह काफ़ी सराहनीय है। और निश्चित तौर से जिस ऊर्जा के साथ वो आ रहे हैं वो ऊर्जा हमें भी संचारित होगी और देश में नई दिशा तय करने में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी से ही लोग कतार लगा के अंदर जाकर ज्ञान भवन में प्रवेश कर रहे हैं, काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं लोग। ये अभी आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी देखना प्रयास करेंगे तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित तरीके और बहुत ही कायदे कानून को पालन करते हुए पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जारी करते रहा है। ये कार्यकर्ता आज हमारे सिर्फ एक मनुष्य मात्र नहीं है, एक हमारे लिए धरोहर और पुरोधा है। परिचय दीजिए। कुमार राघवेंद्र, अध्यक्ष कार्यालय प्रभाग। बात है जिस तरह से राज्य कार्यकारिणी की बैठक या संयुक्त मोर्चे की बैठक ज्ञान भवन में शुरू होने वाली है, जिसको लेकर अभी से ही कार्यकर्ताओं में खासा उमंग देखा जा रहा है। और बीजेपी का अगर बात करें तो बड़े से शीर्ष नेता भी यहाँ पे शामिल होंगे और यहाँ पे अमित शाह को सुनेंगे। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे।